जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। मैं अपने चैनल क्यूट मिस्ट्री फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो बनाए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। क्यों मिश्री सही बोली? दोस्तों मैं अपने डेली लाइफ में जो भी है छोटा बड़ा काम जो सब करते हैं वो सबको आप लोग को दिखाने का कोशिश करती हूँ और दिखाती हूँ, और जैसा भी मेरे को आता है। अगर आप लोग को उससे थोड़ा सा भी मदद मिलता होगा तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। आप लोग के कमेंट से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कमेंट आता है तो दोस्तों थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है कि हाँ चलो किसी को तो अच्छा लगता है, कोई तो देखता है, किसी को तो मदद मिलता है, तो मेरे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते और कमेंट करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए फिर आज मैं बनाने वाली हूँ बड़ी, उड़द दाल का बड़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं उसको कैसे बनाऊंगी, है ना। तो चलिए फिर करती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। आज मूली का सब्ज़ी बन रहा है मेरे यहाँ, चावल और मूली का सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी बड़ी, दोपहर को बनाऊँगी। तो दोस्तों अभी हो गया है शाम और मैं बोली थी कि दोपहर में बनाऊंगी बड़ी करके, लेकिन दोपहर में खाना वाना खाने के बाद दोस्तों बहुत धूप हो गया था और धूप में काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं रख दी थी दाल को, भीगा ही हुआ था। अभी मैं उसको पीसूंगी और फिर बनाऊंगी बड़ी। तो चलिए दोस्तों अभी शाम हो गया है, 5 बज रहा है और अभी भी देखिए उधर धूप दिख रहा है, उधर धूप है और हम लोग के सामने तरफ आंगन में बहुत ज़्यादा धूप है अभी भी, इसलिए मैं उधर नहीं निकली हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी बड़ी, है ना। और देखिए दोस्तों मैं आप लोग को मनी प्लांट को दिखाई थी कि इधर ले आई हूँ, क्योंकि ये हो रहा है जला हुआ लग रहा है, एकदम पत्ता जल गया था इसका, तो उधर एकदम जल जल जा रहा था। इधर लाने के बाद में देखो कितना अच्छे से बढ़ रहा है। तो अब चलिए दोस्तों दाल को पीसते हैं, है ना। ये देखिए दाल, उड़द दाल है, भिगा के रखी हूँ, कल से भिगा ली थी दोस्तों रात से, ज़्यादा नहीं है ये, थोड़ा सा ही है, एक पाव है अभी, तो इसी को बना के देखती हूँ पहले अच्छे से बन जाएगा तो, उसके बाद में और है कल और लेके आई हूँ तो उसको भी बनाऊँगी, अच्छा बन जाएगा, सूख जाएगा उसके बाद में। देखिए दोस्तों मिक्सी का जार है, इसमें डाल लेती हूँ, छोटा वाला जार है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालूँगी, इतना थोड़ा सा दाल को थोड़ी पिसवाने ले जाऊंगी, इसलिए घर में ही पीस के बना रही हूँ, एक साथ ज़्यादा नहीं डालूंगी, इतना डाल लेती हूँ, दो बार में करके पीस लूँगी, दो बार में तो हो जाएगा आराम से। थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ दोस्तों इसमें, बंद कर देती हूँ और ना पीस लेती हूँ। दोस्तों पीस ली मैं पूरा, अच्छे से पिसा गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा सोडा और नमक, इसको अच्छे से फेंटूंगी। ये देखिए खाने वाला सोडा है, इसको डाल देती हूँ और नमक, नमक डाल दी दोस्तों। अब इसको बहुत अच्छे से फेंटना पड़ेगा तब मुलायम बनता है। देखिए दोस्तों मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ इसको, देखिए ऐसे फेंट लेती हूँ, कम से कम 5 मिनट तक फेंटना पड़ेगा दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों अच्छे से फेंट ली हूँ, थोड़ा सा रख दी थी, अब चलिए बना लेती हूँ इसको। ये दे खाट में बनाऊँगी छोटा वाला, ऐसे निकालूँगी थोड़ा सा और छोटा छोटा बनाऊँगी दोस्तों, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाऊँगी।
देखिए दोस्तों मैं बना ली पूरा बड़ी, ज़्यादा तो था नहीं, एक पाव का था दाल, तो मैं बना ली, इतना बना है। अब और बना लूँगी, एक आध दिन और लाई हूँ कल, तो फिर बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों हाथ वाथ को धो लेती हूँ, ये देख खाली हो गया कटोरा मेरा, है ना, हाथ वाथ को अब धो लेती हूँ। यहाँ पानी का बहुत चिकना रहता है दोस्तों ये उड़द का दाल, और इसका बड़ी जो है ना बहुत टेस्टी रहता है, हम लोग बहुत अच्छा से खाते हैं इसको। हमारे छत्तीसगढ़ में ना इसको ज़्यादातर करके उड़द दाल का ही बड़ी बनता है, कुछ कुछ में डाल के बनाते हैं तो भी उड़द दाल ही डालते हैं, और अच्छा भी लगता है दोस्तों, बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आज जो मैं बड़ी बनाई हूँ छोटा वाला दाल का, है ना, प्योर दाल का ही है, इसमें कुछ नहीं डाली हूँ, दाल दाल का है और उड़द दाल का है, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ही बनाया जाता है। तो इसको ना सूखने के बाद में इसको तेल में अच्छे से तल के लाल होते तक तल देंगे, उसके बाद में इसको आलू वगैरह के साथ मिक्स करके इसको बनाते हैं बड़ी का सब्जी, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, है ना। तो आज का व्लॉग यहीं तक है, कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मिलते हैं अगले वीडियो में।